एवरी वन सी डॉ पल्लवी एंड वेलकम टू माई चैनल एंड एम सुपर एक्साइटेड कि मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ तो आज मैं बात करूँगी एक डॉग पाउडर के बारे में जो एंटी थिक एंड एंटी फ्ली पाउडर है आ, तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज मैं बात करूँगी हिमालय एरिना ई पी पाउडर के बारे में Uh, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का पाउडर है जिसका इस्तेमाल आप रेगुलरली कर सकते हो अपने डॉग के बॉडी में इट्स वेरी सेफ है नाउ मैं आपको इसके बारे में आप इसका जो प्रोज है कॉन्स है ये सब कुछ बताऊँगी बेनिफिट है और क्या क्या सेफ्टी uh, मेजर्स है रिलेटेड टू दिस कॉशंस क्या क्या लेने पड़ेंगे तो मैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो आप uh, इस वीडियो को अच्छे से uh, आखिर तक देखते रहिए तो मैं आपको बताना चाहती थी कि इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट या फिर प्रोज़ ये है कि ये एक ट्रस्टेड कंपनी से है वो है हिमालय कंपनी ये 52 टू भी हिमालय कंपनी का है जिसको एक्सटेंसिवली हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इदीना ए जो है ए जो है ये पाउडर 150 एंड फिफ्टी ग्राम में आता है और इसमें एंटी टिक एंड एंटी फ्ली कंट्रोलिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छा है नाउ नॉट ओनली दैट ये जो लाउस है मतलब जुए होते हैं डॉग्स एंड कैट्स में उसको भी ये रिपेल करता है मतलब ख़त्म करता है और बॉडी से हटा देता है इसमें सेवन टू एट डिफरेंट नंबर्स ऑफ हर्बल यू नो फार्मूला है जिसके जो सारे के सारे यू नो एंटी एक्टोपेरासाइटिसाइड है मतलब एक्टोपेरासाइड मतलब शरीर के बाहर जो पैरासाइट रह सकते हैं उन सबको ये पूरी तरह से रिपेल कर सकता है सबसे बड़ी बात है इसमें नीम का जो एक्स्ट्रैक्ट है वो भी डाला गया है और आपको पता है कि नीम का एक्सट्रैक्ट इज अकेरीसाइड एक मतलब ये है कि ये अलग अलग टाइप का एक्टोपेरासाइटिसाइड एक्टोपेरासाइट को मतलब ख़त्म कर सकता है तो ये मतलब डस्टिंग करके आपको बॉडी में लगाना पड़ेगा इसको छिड़कना पड़ेगा और ताकि जो इसका स्किन है जो यू नो जड़ों तक ये पहुंच सके उस हिसाब से उसको आपके बॉडी में इसको डॉग के बॉडी में आपको डालना पड़ेगा तो डोजेज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द यू नो लाइक ऑफ योर वेटनेरियन नाउ थिंग इज इसका जो इस्तेमाल है आप रेगुलर बेसिस में आप कर सकते हो सो दैट मेक्स इट वेरी सेफ तो एवरी नाउ एंड देन दिन में एक बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और हफ्ते में एक बार या तो फिर दो तीन दिन में एक बार भी आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हो इट्स अ वेरी गुड पाउडर फॉर योर डॉग तो अब हम बात करते हैं प्रो प्रोज़ के बाद अब हम कॉन्स के बारे में बात करते हैं मतलब इसका जो थोड़ा सा कॉशन आपको लेना पड़ेगा तब कब लेना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं तो so, इम एरिना ए पी पाउडर जो है ये रेगुलर यूज़ के लिए होता है अगर आपका डॉग हैवीली इन्फेस्टेड है मतलब उसका पूरा बॉडी टिक से भर चुका है फ्ली से भर चुका है आपके यू नो लाइक उसमें लाड़वी है उसमें सब एडल्ट एडल्ट हर तरीके का टिक है बहुत बुरी हाल है ऐसी हालत में आप एरिना एपी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ऐसी हालत में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आ, मतलब केमिकल्स से या तो फिर किसी हायर जो स्ट्रोंग ड्रग्स है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो एरिना ई पी मैं नहीं कहूँगी कि आप उस वक्त इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा होगा लेकिन बहुत कम होगा इससे बेहतर है कि आप कुछ हायर क्वालिटी का जो यू नो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करें टू बी वेरी फ्रैंक एरिना एपी रेगुलर यूज़ के लिए है तो आप मेरी तरफ़ से अगर आपके घर में एक नया डॉग है और उसमें उसको आप टिक एंड फ्ली से दूर रखना चाहते हैं तो आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कीजिए इट्स वेरी सेफ़ वेरी माइल्ड और ये हर्बल है तो मेरी तरफ से इसको मैं थम्सअप देती हूँ आप भी इस आ, वीडियो को थम्सअप दे के मुझे भी थोड़ा सा खुश कर दीजिए थैंक यू वेरी मच और अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ या तो फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा के मेरे साथ जुड़े रहिएगा थैंक यू वेरी मच